साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। 15 और 16 अक्टूबर को यूपी पेट परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। पेट की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आज अभ्यर्थियों की भारी भीड़ प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी। ट्रेनों में अभ्यर्थियों के साथ साथ बाकी यात्री भी सफर कर रहे हैं। बता दें कि आज पेट की परीक्षा 37 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। बता दें कि आज पेट परीक्षा की शुरुआत हो रही है। 15 और 16 अक्टूबर को पेट परीक्षा होगी, जिसमें बता दें 15 और 16 अक्टूबर को यूपी पेट परीक्षा 2022 का शुरुआत हो चुका है। आज से प्रथम पाली की परीक्षा आज होगी, जिसकी कई अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज अभ्यर्थियों की भारी भीड़ प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी। ट्रेनों में अभ्यर्थियों के साथ साथ बाकी यात्री भी सफर कर रहे हैं। बता दें कि आज पेट परीक्षा में 37 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। प्रथम पाली की परीक्षा पेट की आज से शुरू की गई है। 16 अक्टूबर को भी कल इसकी परीक्षा होगी। बता दें कि इस परीक्षा में 37 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज अभ्यर्थियों की भारी भीड़ प्रदेश के कई प्रमुख शहरों और रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी है। ट्रेनों के अभ्यर्थियों के साथ साथ बाकी यात्री भी सफर कर रहे हैं। इस परीक्षा में 37 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। आज से पेट परीक्षा की प्रथम पाली की शुरुआत हो चुकी है और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से विभांशु और कानपुर से अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, आज पेट परीक्षा की शुरुआत हो रही है। जी नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एसई के तहत उत्तर प्रदेश में जो सरकारी महकमे हैं उसमें ग्रुप सी पदों पर आवेदन के लिए पेट का एग्जाम हो रहा है। आपको बताया कि प्रदेश भर में अगर देखें तो 37 लाख से अधिक अभ्यर्थी आज अपने इस पेपर में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर लगातार युवा परेशान रहते हैं, उसमें देखा जाए तो अब एग्जाम होते हैं तो भारी संख्या में जो अभ्यर्थी होते हैं वो इस फॉर्म को भरते हैं, आवेदन करते हैं। और साफ तौर से अगर देखे तो यूपी देखे तो 37 लाख अभ्यर्थी जो आवेदन किए हैं उससे कहीं ना कहीं देखिए जो तमाम वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है यानी कि यातायात के माध्यम है उस पर कहीं ना कहीं कमी देख और कहीं ना कहीं तमाम छात्र और जो दूर दराज सेंटर जाने से जो छात्र परेशान है वो लगातार देखे तो स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ भारी संख्या में कल उन्हें परेशान देखा गया। वही आपको बताया कि एग्जाम का डेट रखा गया है, 2 दिन के इस एग्जाम को चलेगा। और आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग अगर बात करें तो 37 लाख जो अभ्यर्थी है उसमें कहीं ना कहीं भारी रोष देखने को मिला है, क्योंकि उनका साफ तौर पर आरोप है कि सरकार की तरफ से इतनी भारी संख्या में आवेदन के बावजूद जो यातायात के माध्यम है उसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए। साथ ही आपको बताया कि रेलवे स्टेशनों पर कुछ विशेष ट्रेन नहीं चलाए गए। वहीं अगर देखा जाए तो छात्रों का ये भी कहना है कि जो अपने गृह जनपद से लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूरी तक छात्रों का जो कहीं ना कहीं सेंटर गया है उससे छात्र बहुत ही परेशान है और वो कैसे भी करके देखा जाए तो वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं मगर साफ तौर से वो कहीं ना कहीं मायूसी है कि सेंटर डूब गया है। वहीं अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर आज से 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का जो ट्रेंड कराया जा रहा था आग्रह किया जा रहा था यूपी पेट परीक्षा को देखते हुए और आवेदनों की जो आवेदक है उनकी संख्या को देखते हुए अब जो सरकारी यातायात की सुविधा है यानी कि उत्तर प्रदेश का रोडवेज उसमें कुछ अतिरिक्त बसों को चलाए और निःशुल्क चलाए जिससे आमतौर से जो छात्र है उनको राहत मिल सके, क्योंकि छात्रों का कहना है कि देखा जाए तो अलग अलग तबकों के छात्र इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और सभी
300 किलोमीटर अगर परीक्षा देना हो तो वहां समर्थ नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि छात्र अगर पहुंचता है तो वहां रुकने का और तमाम ऐसे खर्चे होते हैं जो सभी छात्र नहीं उठा सकते हैं, इसको लेकर छात्रों में कहीं ना कहीं रोष है। जी नंदनी, अब हम अनिल से बात करेंगे। अनिल, कानपुर में क्या माहौल बना हुआ, क्योंकि अभ्यर्थी दूर दराज से, वहां भी परीक्षा केंद्र बनाया गया होगा और अभ्यर्थी वहां भी दूर दराज से पहुंच रहे होंगे। जी मैं बता दूं कि कानपुर में लगभग 85 केंद्र बनाए गए हैं, 85 केंद्र में लगभग 700 कुछ सेंटर भी बनाए गए थे। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से व्यवस्था है, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इतनी इन सब चीजों की तैयारियां पहले से, जब मुख्यमंत्री इस चीज के लिए सारे प्रशासन से बोल चुका था, लेकिन कानपुर में उतना खास तैयारियां नहीं देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि लगभग इस शहर में 85 केंद्रों पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं वहां पे रुकने की व्यवस्थाएं, और लोगों परीक्षार्थी हैं उन्होंने अपनी खुद व्यवस्था ना कर पाई, क्योंकि लगभग जो सेंटर गए हैं, जब हमने परीक्षार्थियों से बात करने का प्रयास किया तो सभी परीक्षार्थी का यही कहना था कि सेंटर ना जाने किसी व्यवस्था के अनुसार भेजे गए हैं, कि लगभग 300 से 400 किलोमीटर के अंतराल में जो सेंटर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखने वाली सोचने वाली बात होती है कि परीक्षार्थी तैयारी के अलावा उसको इन सब चीजों की व्यवस्था देखनी है, कि लगभग वो 2 से 3 दिन अपना इस चीज में लेके कर चल रहा है। लेकिन जब लोकल प्रशासन से यहाँ पे बात करने का प्रयास किया गया तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं बोला कि सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है और सारे जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए जो भी सुविधाएं अधिक से अधिक हो सकती है देने की कोशिश की गई है, और जो बस स्टेशन है और रेलवे स्टेशन है वहां पे परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो लोकल यात्री होते हैं और जो बाकी के यात्री होते हैं जो ट्रेनों में सफर कर रहे होते हैं इस चीज से उन चीज का भी सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को पहले से सोच रखनी चाहिए थी कि अगर इतने भारी संख्या में लगभग 37 लाख परीक्षार्थी पूरे उत्तर प्रदेश में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे आम आदमी को भी समस्या होगी। इसके लिए ना तो प्रशासन ने कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेन की व्यवस्था, ना तो एक्स्ट्रा बस की व्यवस्था कराई गई, और कानपुर में स्टेशनों पे और ट्रैफिक पे इतनी बुरा हाल है इस वक्त कि देखने वाली चीज होगी कि कहीं ना कहीं अगर ये सब चीजें हैं तो कानपुर प्रशासन ने इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की। जी जी देखा जाए तो अभी जितने भी अभ्यर्थी है वहां पर पहुंच रहे होंगे, लेकिन आपने जैसे बताया कि ट्रैफिक यातायात को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया तो बदलाव तो करना चाहिए था जी। क्योंकि देखा जाए तो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इसका भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा, उन्हें समय से पहुंचना रहता है। कानपुर में 85 केंद्र बनाए गए, 85 केंद्र जो कि कानपुर में अलग अलग जगह पे हैं, और हालांकि प्रशासन ने जितनी भी केंद्र बनाए गए थे वहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए थे, और कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम से इस चीज के थे कि जो भी नकल माफिया और जो आगे चल के चीजें हो रही थी उस चीज पे काफी कंट्रोल किया जा सके, और लगभग 39 सेक्टर मजिस्ट्रेट को यहाँ पे लगाया गया है, और ट्रैफिक की व्यवस्था हालांकि ये है कि कहीं ना कहीं जो बाहर के परीक्षार्थी है उनको कानपुर के बारे में या तो जो बाहर से परीक्षार्थी है उनको इतना नॉलेज नहीं है, और ना तो रूट डाइवर्ट किया गया है, और रोडों पे इतना खस्ता हाल है, पूरा कानपुर खुदा हुआ है, तो जिससे छात्रों के विभांशु अब बात करें पेट की, तो जितने भी परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है? उसके बारे में परीक्षार्थियों को पूरी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि जो सेंटर है उसमें तमाम जो छात्र हैं वो उसमें तकनीक में सुधार में चाहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके सेंटर दूर दराज के इलाकों में गए हैं जहां कहीं ना कहीं उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि अगर 300 किलोमीटर दूर सेंटर जाता है और किसी अगर देखें तो किसी दुर्गम जगह पर, यानी कि बहुत ही ऐसी जगहों पर जो कि रूरल जगह है, ऐसे जगहों पर सेंटर जाने से कहीं ना कहीं छात्र परेशान है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सेंटर की दूरी बनाई गई है उससे कहीं ना कहीं छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए गाइडलाइन की तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी के लिए एक भारी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो पेट का एग्जाम कराया गया था यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से वो लीक हो गया था, और कहीं ना कहीं देखें तो उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे एग्जाम में आपने देखा कि सवालिया निशान खड़ा होता है तो ये चुनौती होगा,
और तमाम जो गाइडलाइन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर ऐसे भी कोई भी उपकरण छात्र अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो परीक्षा केंद्र के बाहर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, इससे जो भी छात्र आए इन्हें कहीं ना कहीं डिटेक्ट किया जाए, और जो तमाम जो वहाँ सिक्योरिटी के नॉर्म्स देखे जाए तो सिक्योरिटी के तहत जो आसपास का पुलिस बल है वो वहाँ मौजूद है कि अगर बात की जाए तो यातायात के लिए भी और साथ ही साथ सुरक्षा के लिए भी, और पूरी तरह से मेटल अगर कोई छात्र ऐसा कोई उपकरण लेके जाता है या फिर ऐसा कोई चिट लेके जाता है तो उसको साफ तौर से कहीं ना कहीं देखे तो गेट से ही निगरानी रखी जा रही है। गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी छात्र को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वॉच हो या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं है। देखा जाए तो जब नीट की परीक्षा हुई थी तो उसमें जांच को लेकर कई सवाल उठे थे, क्या कुछ ऐसा भी इसमें मतलब पेट की परीक्षाओं में ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताए नंदनी का अभी ये कहना सही नहीं है, और अभी एग्जाम चल रहा है, प्रथम पाली का आयोजन चल रहा है, मगर पिछली बार कहीं ना कहीं पेपर पर सवालिया निशान खड़ा होने से यूपी ट्रिपल एससी पे कहीं ना कहीं उसकी साख में एक देखे तो कुछ जो प्रश्न चिन्ह होते हैं वो खड़े हुए थे, मगर कहीं ना कहीं देखे तो विभाग के लिए कहीं चुनौती का विषय होगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना किसी प्रश्न चिन्ह उठे एग्जाम को करा सके, और साथ ही जो छात्रों की समस्या है उस पर आगे की जो परीक्षाएं है उस पर सरकार और विभाग ध्यान दे सके, क्योंकि देखे तो आमतौर से गरीब किसान का बच्चा अगर इस एग्जाम में अपनी सहभागिता देखता है, पार्टिसिपेट करता है, तो कहीं ना कहीं उसको भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बेहतर यातायात न होने के चलते बेहतर कहीं ना कहीं देखे तो बसों में भारी संख्या में आज छात्र दिख रहे हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए रेलवे स्टेशनों पर तो पूरी तरह से रेलवे स्टेशन छात्रों से पटा हुआ है, ना कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था है, तो जो आने वाली परीक्षा है उससे सरकार को इससे सबक लेकर और छात्रों के लिए जिनका सेंटर दूर दराज इलाकों में गया है अगर देखे तो लगभग आमतौर पर एक रेशियो देखे तो 250 किलोमीटर की दूरी पर एक छात्र का सेंटर गया, तो कहीं ना कहीं देखे तो छात्र ऐसे कई सारे छात्र हैं जो दूर दराज इलाकों में गए हुए हैं, और साथ ही उनके जो सेंटर है वो बहुत ही बिहार इलाकों में गए हैं, तो उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं देखे तो विभाग को इस पर पूरी सक्रियता के साथ आने वाले जो परीक्षा है उसमें सेंटर को विशेष ध्यान रखते हुए लगाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को इसमें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और उसका जीता जागता सबूत अगर देखें तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सड़कों पे आप देख सकते हैं। नंदनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु और अनिल। बता दें कि आज पेट परीक्षा की प्रथम पाली की शुरुआत है, इस परीक्षा में 37 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, रेलवे स्टेशनों पर जगह जगह पर भारी भीड़ देखने को मिली है, परीक्षा केंद्र को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल भी उठाए हैं, दूर दराज से बच्चों को परीक्षा देने में दिक्कतों का कई सामना करना पड़ता है। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशन पर आज देखने को मिली है। बता दें कि इस परीक्षा में 37 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। आज से परीक्षा की प्रथम पाली की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रथम परीक्षा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज से यूपी पेट परीक्षा 2022 की शुरुआत हो चुकी है। इस परीक्षा को 15 और 16 अक्टूबर को कराया जाना है, जिसमें से 37 लाख से अधिक कैंडिडेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। बता दें कि 37 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। यूपी के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में छात्रों की भीड़ देखी जा रही है,
सोशल मीडिया के माध्यम से कई छात्र छात्राओं ने परीक्षा केंद्र दूर होने की शिकायत भी की है। वहीं ट्विटर पर कई कैंडिडेट्स ने नाराजगी भी अपनी जाहिर की है। आज से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पेट परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि ये परीक्षा दो पालियों में होगी। आज प्रथम पाली, कल द्वितीय पाली की परीक्षा की जाएगी, जिसमें 37 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। यूपी के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में छात्रों की भीड़ देखी जा रही है और कई छात्राओं ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। परीक्षा केंद्र पर सवाल उठाए हैं। दूर दराज से बच्चे जो आते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट भी और एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आज छात्राओं ने परीक्षा केंद्र दूर होने की शिकायत की। ट्विटर पर रेलवे स्टेशन की कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें कैंडिडेट्स बेहाल दिख रहे हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, औरैया में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आज पेट परीक्षा की प्रथम पाली की शुरुआत है। यातायात में जो 6 बजे से भारी वाहनों के लिए बिल्कुल रोक लगा दी गई है। कोई भी किसी भी प्रकार से भारी वाहन जनपद में अंदर नहीं आएंगे। वहीं जनपद में 28 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। वहीं जनपद में जो 13 केंद्र बनाए गए हैं और जो दिव्यापुर में 13 केंद्र बनाए गए हैं और जो पपून में 1 केंद्र और अजीतमल में 1 केंद्र बनाया गया है। जी ऋषि, परीक्षा केंद्रों पे क्या कुछ सुरक्षा का इंतजाम किया गया है? अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर तो आप देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और जनपद में पुलिस व्यवस्था की बहुत ही सही ढंग से व्यवस्था की गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषि। पंद्रह और 16 अक्टूबर को यूपी पेट परीक्षा 2022 की आज से शुरुआत हो रही है। बता दें कि कई प्रमुख शहरों से अभ्यर्थियों की भारी भीड़ प्रदेश के अलग अलग शहरों में दिखाई देने लगी है। ट्रेनों में अभ्यर्थियों के साथ साथ बाकी भी सफर कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना कि उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस परीक्षा में 37 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। यूपी के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में छात्रों की भीड़ देखी जा रही है। कई छात्र सोशल मीडिया के माध्यम से परीक्षा केंद्र दूर होने की शिकायत कर रहे हैं। कई तो अपनी ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि आज से यूपी पेट प्रथम पाली की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। पंद्रह और 16 अक्टूबर को यूपी पेट परीक्षा का आज से आयोजन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों की भारी भीड़ प्रदेश के प्रमुख 11 अलग अलग शहरों में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर दिखाई देने लगी है। यूपी के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में छात्रों की भीड़ देखी जा रही है। छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है परीक्षा केंद्र को लेकर। उनका कहना है कि दूर दराज होने परीक्षा केंद्र होने पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं बता दें कि ट्विटर पर रेलवे स्टेशन की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें कैंडिडेट्स बेहाल दिखाई दे रहे हैं। कई कैंडिडेट्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है सोशल मीडिया पर परीक्षा केंद्र को लेकर। बता दें इस पेट परीक्षा में 37 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर कई सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। आज से पेट परीक्षा की प्रथम पाली की शुरुआत हो रही है जिसमें 37 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्र अलग अलग दूर दराज होने से अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जिसका वो नाराजगी अपनी सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र पर पुख्ता इंतजाम किया गया है सुरक्षा को लेकर। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ प्रदेश के कई प्रमुख शहरों को रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी है और कई ऐसी तस्वीरें सामने भी आई जिसमें कैंडिडेट्स बेहाल दिखाई दे रहे हैं। कैंडिडेट्स का कहना है यूपी पेट परीक्षा केंद्र बहुत दूर है, न जाने क्या सोचकर सेंटर अभ्यर्थियों को दिया गया है। बता दें कि इस परीक्षा में 37 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हो रहे हैं। और महाराजगंज से हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां का माहौल जानेंगे। आकाश, महाराजगंज में क्या स्थिति देखने को मिल रही है आज पेट परीक्षा की प्रथम पाली की शुरुआत है? नंदी जी, आज 18 केंद्रों पे 33,216 बच्चे पेट की परीक्षा देंगे। इसमें 18 केंद्रों पे जिले में बनाए गए हैं। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं वहां पर? 18 केंद्रों पे एक नोडल अधिकारी और 8 स्टेटिक सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं जिले में। यातायात व्यवस्था नोडल अधिकारी अपर जिला अधिकारी पूर्व महाराजगंज को बनाए गए हैं। आकाश, क्या यातायात व्यवस्था को लेकर कुछ बदलाव किया गया था? यातायात व्यवस्था सारे सेंटर शहर से बाहर बनाए गए हैं, शहर के बाहर के स्कूलों में बनाए गए हैं। यातायात व्यवस्था को देखते हुए पंद्रह 16 अक्टूबर को यूपी पेट परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। पेट परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है आज से। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी। आज पेट परीक्षा में 37 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारियों का खाका खींचा है। कहा जा रहा है भाजपा नवजीवन तक हर दरवाजा खटखटाएगी। इस दौरान हर घर में नए वोटर खोजे जाएंगे और नए वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल कराए जाएंगे। सरकार के कामों का पत्रक भी घर घर कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को विशेष मतदाता अभियान चलेगा। भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारियों का खाका खींच लिया है। कहा जा रहा है भाजपा नवंबर तक हर दरवाजा खटखटाएगी। इस दौरान हर घर में नए वोटर खोजे जाएंगे और नए वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल कराए जाएंगे। सरकार के कामों का पत्रक भी घर घर कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। इसके अलावा शनिवार और रविवार को विशेष मतदाता अभियान चलेगा। बता दें कि भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। कहा जा रहा है भाजपा नवंबर के अंत तक हर दरवाजा खटखटाएगी।
जितने भी अभी तक नए वोटर मिलेंगे उसके उनका नाम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर कमर अपनी कस ली है, कहा जा रहा है भाजपा नए वोटर लिस्टों की शामिल नए वोटरों की लिस्ट शामिल करेगी। रितेश, भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। की बार निकाय चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर एक भरोसा जताया है कि किस तरीके से चुनाव को अबकी बार किया जाएगा, वोटरों को किस तरीके से लुभाया जाएगा, कैसे उन तक पहुंचेंगे, कैसे वोटर लिस्ट में नाम बढ़ेंगे, किस तरीके की योजना को तैयार किया है। बीजेपी के जो भी उसके प्रमुख है नेता, उन्होंने इस तरह की तैयारियां शुरू की है कि जो कार्यकर्ता होंगे बूथों तक जा करके घर घर जा करके जिनके वोटर लिस्ट से नाम छूटे हुए हैं उन तक पहुंचेंगे और वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि नए वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल किए जाएंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कर रही है और उनको बीजेपी के किए गए कार्यपत्र की जो कॉपियां हैं उनको घर घर वोटरों तक पहुंचाएगी, कार्य योजना के बारे में बताएगी, कैसे कार्य बीजेपी ने गवर्नमेंट में किए हैं वो इस चुनाव में कार्यपत्र की तरह कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे। और रही बात वोटरों की, तो जो वोटर लिस्ट में नाम पहले से हैं वो हैं, उसके बाद जो नए वोटर बनेंगे उनको घर घर देखा जाएगा, घर घर जाएंगे, 4 से 5 कार्यकर्ता बूथों पर भेजे जाएंगे, घर घर भेजे जाएंगे और इस तरीके से ये बूथ में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम किया जाएगा। बताया जा रहा है बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर शनिवार और रविवार को विशेष मतदाता अभियान भी चलाएगी। हाँ बिल्कुल, शनिवार और रविवार को विशेष मतदाता अभियान चलाया जाएगा और इस तरीके से जो मतदाता अभियान है ये कार्यकर्ताओं को लेकर के चलाया जाएगा, किस तरीके से हो रहा है कार्यक्रम इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्या लग रहा है बीजेपी इसके अलावा और क्या कुछ कर सकती है? देखिए बीजेपी तो अब जो ये निकाय चुनाव है इसमें बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर चुकी है और लगातार रणनीति बना रही है, बैठकें कर रही है, बैठकों के बाद में ये संभव प्रयास किया जा रहा है कि 90% वोटर जो है वो बीजेपी के खाते में आएंगे। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं, हम उनसे एक बार बात करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके की तैयारियां कर रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल, हमारे साथ बूथ अध्यक्ष है, हम इनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं बीजेपी आगामी नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत। भारतीय जनता पार्टी रितेश हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बता दें कि भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी को खाका खींच लिया है। इस दौरान हर घर में वो नए वोटर खोजे जाएंगे, नए वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल कराए जाएंगे, सरकार के योजनाओं और उनके कामों के बारे में उनको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा हर रविवार और शनिवार को विशेष मतदाता अभियान भी चलाया जाएगा। बता दें कि निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इस दौरान वो हर घर नए वोटर खोजेंगे और नए वोटरों को अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे और सरकार की योजनाओं और उनके कामों के बारे में उनसे उनको अवगत कराएंगे। इसके बाद शनिवार और रविवार को विशेष मतदाता अभियान भी चलाएगा बीजेपी।
अलीगढ़ के सांवरिया हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। डिलीवरी की भर्ती हुई प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत पर परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। आक्रोशित परिजनों और समर्थकों ने रोड जाम कर खूब हंगामा किया और अस्पताल के लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग भी की। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने के मामले में जुट गई। बता दें कि अतरौली थाना इलाके के रामघाट रोड स्थित सांवरिया निजी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ के सांवरिया हॉस्पिटल से है, जहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी की भर्ती प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत पर परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों और समर्थकों ने रोड जाम कर खूब हंगामा किया है। अस्पताल के लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कार्यवाही की मांग भी की है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने में लगी है। बता दें कि अतरौली थाना इलाके के रामघाट रोड स्थित सांवरिया निजी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। बता दें कि सांवरिया हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश महेश्वरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, हॉस्पिटल सांवरिया हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां परिजनों का कहना है कि डिलीवरी की भर्ती हुई प्रसूता की मौत हो गई है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ का रामगढ़ रोड का है। सांवरिया हॉस्पिटल में एक परिजनों द्वारा एक महिला को भर्ती कराया गया था, उसकी मौत हो गई। उससे मौत होने के बाद परिजनों का आरोप लगाया अस्पताल वालों से, ये इसकी लापरवाही से इसकी मृत्यु हुई है। उन्होंने भाई आपको व्यक्त किया और रोड जाम करके काफी देर तक प्रदर्शन भी किया। प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अगर प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन द्वारा उनको समझा बुझाकर हंगामे को शांत करने का प्रयास किया गया है और उनको यह बताया कार्रवाई की जाएगी हॉस्पिटल के ऊपर। हाँ जी, नीतीश, इस पर अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना था? अगर अस्पताल प्रशासन अस्पताल की बात करेंगे, कर्मचारी तो सारे कर्मचारी घटना के बाद पूरा छोड़ कर चले गए, वहां पर कोई भी नहीं है। नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।